दिस इज द एडिशन टेबल्स, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. एडिशन टेबल्स क्या है कि जैसे हम टेबल्स होती है 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इसी तरह ये एडिशन है. जैसे 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5 1 5 6 1 6 7 1 7 8, इसी तरह 2 की लाइन में चेक करें हम 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 4 6 2 5 7 2 6 8 2 7 9 2 8 10 2 9 11. सेम वे 3 प्लस, डोंट से प्लस, जस्ट सी स्पीक लाइक दिस. 3 1 4 3 2 5 3 3 6 3 4 7 3 5 8 3 6 9 3 7 10 3 8 11 3 9 12 3 10 13. अगर आप इस तरह से कन्वीनियंट लग रहे हैं तो एक चीज और ध्यान दे सकते हैं बोलते समय कि जब तक ये नंबर इससे छोटा है तब तक ये बड़ा नंबर पहले बोलना और छोटा नंबर बाद में बोलना. जैसे यहाँ पे देखिए 3 1 4 3 2 5 3 3 6 4 3 7 5 3 8 6 3 9 7 3 10 8 3 11 9 3 12 10 3 13. थोड़ा इजी लगेगा, आप ट्राई करके देखिएगा ये मेथड. अब इसमें भी देखिए 4 + 1 5 है, तो 4 1 5 4 2 6 4 3 7 4 4 8 4 5 9 4 6 10. अब क्योंकि बड़ा नंबर आ गया तो उसको उल्टा बोले 4 6 10 6 4 10, विच इज इजी. 6 4 10 ज्यादा इजी लगता है बोलने में अगर आप ट्राई करें. 4 7 11 7 4 11 7 4 इजी लगता है. सो इसीलिए मैंने ये एरो उल्टा डायरेक्शन में बनाया है कि अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे और इजी रहेगा. बाकी आपकी मर्जी आप कैसे इसको लर्न करते हैं. सो 8 4 12 4 9 4 13 10 4 14. इसी तरह 5 का टेबल, 5 का एडिशन टेबल में 5 1 6 5 2 7 5 3 5 3 8 5 4 9 5 5 10 6 5 11 7 5 12 8 5 13 9 5 14 10 5 15. इस तरह से इसको बार बार बोलने से लर्न हो जाएगा. और जैसे डॉजिंग टेबल्स होती हैं वैसे ही आपकी एडिशन के लिए भी डॉजिंग एडिशंस हो जाएंगे. आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू. अब इस तरफ की लर्निंग के बेनिफिट्स क्या होंगे, इस तरह की लर्निंग के लिए बच्चों को ये लर्न हो जाएंगे तो छोटी छोटी एडिशन फटाफट वो कर लिया करेंगे, उनको वो काउंट करके लाइन खींच के नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, और क्विक एडिशन होंगी तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो फटाफट कर पाएंगे इस चीज को. इसके अलावा आपका टाइम बचेगा. और ये ट्रिक इस्तेमाल करने में थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन जब एक बार याद हो जाएगा, जैसे हमने अपने जमाने में लर्न किया था, मुझे लगता है कि आप इसको बच्चे को लर्न कराएं तो इजी रहेगा. तो एडिशन इजी हो जाएगी और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी इसको याद करने के बाद बढ़ेगा.